जयपुर में और शाह शासन मंत्री जी माननीय शांतिलाल जी धारीवाल जी को हम वहाँ पर उनको धन्यवाद ज्ञापित करने गए थे कि आपने हमें टिकट दी और हमारा बोर्ड सागवाड़ा में कांग्रेस का बना। और जब हम जयपुर में गए तो माननीय अशोक जी गहलोत जी के द्वारा माननीय शांतिलाल जी धारीवाल जी के माध्यम से शाह शासन विभाग के माध्यम से हमें 110 करोड़ रुपए की योजना के लिए वहाँ पर बजट की हमें स्वीकृति दी गई। उसी के अंतर्गत हम सागवाड़ा के अंदर अभी RUIDP के माध्यम से 110 करोड़ रुपए के काम करवाने जा रहे हैं, जिसके अंदर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए और उसी 110 करोड़ से सागवाड़ा की सीवरेज लाइन और जलदाय विभाग की और विभिन्न सड़कों की योजनाएं उसके अंदर 110 करोड़ रुपए में उसके अंदर प्रायोजित हैं। और हम एक बहुत जनजाति विभाग से हमें एक 5 करोड़ रुपए का सांस्कृतिक एक भवन भी यहाँ मिला है जो भी हम बनाने जा रहे हैं। इसके अलावा 2 सामुदायिक भवन 2-2 करोड़ रुपए के बनने जा रहे हैं। इस तरह से हमारी जो 110 करोड़ रुपए की जो योजना है उसके लिए उसकी DPR बन गई है। माननीय जिलाधीश महोदय डूंगरपुर ने सागवाड़ा का दौरा करके इन विभिन्न स्थलों का जायजा भी ले लिया है और बहुत जल्दी उसके टेंडर होने वाले हैं, बहुत जल्दी इसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। नगर पालिका में जब से हमने कार्यभार मैंने संभाला है तभी से इस नगर को एक स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए दिन रात हमारे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी भी उसमें लगे हुए हैं। हर गली मोहल्लों में हम सफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हमने नगर पालिका के बजट से करीब 6 से 7 करोड़ रुपए के हमने टेंडर भी निकाले हैं जहाँ विभिन्न विकास की योजनाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। हमने अभी वर्तमान में कल ही एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले दीनदयाल उपाध्याय बगीचे, हाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान का कल हमने शिलान्यास किया है। और बहुत शीघ्र सागवाड़ा में अभी 100 फीट का एक राष्ट्रीय ध्वज, इंडियन फ्लैग बोलते हैं राष्ट्रीय ध्वज, हम अस्पताल के वहाँ पर सांप दरवाजे के सामने हम उसको स्थापित करने जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका फाउंडेशन का काम हो गया है। गमलेश्वर तालाब के पास भी हम एक चाट बाजार का निर्माण करने जा रहे हैं और 110 करोड़ रुपये की योजना के अलावा भी सागवाड़ा के अंदर विभिन्न विकास के कार्य हमने प्रारंभ कर दिए हैं। जैसा कि हमने वादा किया था कि नगर की जनता के लिए 36 कौम के लिए हम सागवाड़ा में जो हमारा सन 1952 से टाउन हॉल बना हुआ है नगर पालिका के द्वारा निर्मित है, हमारे पूर्व चेयरमैन माननीय रामलाल जी दलाल जी प्रथम जो चेयरमैन बने थे सागवाड़ा में, तब उनकी सोच थी कि 36 कौम के लिए यहाँ पर कोई धर्मशाला वगैरह नहीं हुआ करती थी उस जमाने में, तो उन्होंने 36 कौम के लिए उन मीटिंग के लिए वहाँ पर एक भवन बनाया था और वो अभी जर्जर हाल में था और उसका भी हम लगभग 20-21 लाख रुपया खर्च करके और उसका नवीनीकरण करने जा रहे हैं। नई बावड़ी का भी हम नवीनीकरण करने जा रहे हैं। इसके अलावा भी वहाँ पर एक सब्जी मंडी को भी हम स्थापित करेंगे। वहाँ शेड के कार्य के लिए हमने अभी टेंडर निकाल दिए गए हैं और 110 करोड़ रुपए की योजना के लिए मैं पूरा विस्तृत हमारे माननीय अधिशासी अधिकारी जी राजेंद्र जी द्विवेदी पूरा विस्तृत आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद। जैसा कि चेयरमैन साहब ने बोर्ड का क्या विज़न है उनका उसके बारे में आपको बता दिया। मैं मोटा मोटा जो चीज़ें जो है वो अभी हम कर रहे हैं उनके बारे में, जिनके बारे में हम या तो टेंडर लगा चुके हैं या जिनके वर्क ऑर्डर जारी कर चुके हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको आइडिया मिलेगा कि नगर पालिका सागवाड़ा का जो नया बोर्ड बना है वो क्या विज़न लेकर के और विकास के कार्य कर रहा है। इसमें एक तो आपको सभी को जानकारी में आ ही गया कल की जो श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क का जो जीर्णोद्धार के लिए कल शिलान्यास किया है, तो उसमें हमारा 35 लाख का टेंडर हो चुका है जिसमें कि सिविल वर्क का कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ पे सिविल वर्क में पहले उसका जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पर किया जाना है, क्योंकि वहाँ पर एक वाटर लॉगिंग का इशू था उसमें, इस वजह से वो पार्क उपयोग में नहीं आ पा रहा था, तो उसका फिलिंग करके और उसको उसकी हाइट बढ़ाना, इसके अलावा वहाँ पर टॉयलेट के निर्माण करना, बाउंड्री वॉल से रिलेटेड निर्माण करना, जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्क हैं वो भी पहले फर्स्ट राउंड में हम उसको करेंगे और सेकंड राउंड में वहाँ पर जो काम है हमारे बच्चों के लिए अम्यूज़मेंट पार्क के रूप में उसका डेवलपमेंट करना, जिसमें कि झूले वगैरह लगाना और प्लांटेशन आदि का कार्य उसके अंदर किया जाएगा, तो उस पार्क का डेवलपमेंट ऐसा होगा कि जिसकी वजह से सागवाड़ा की जनता है वो वहाँ पर
जा करके और अपनी अपने परिवार के साथ में अपना शाम का समय आराम से गुजार सकती है। इसी क्रम में जो हमारा दूसरा काम जो कि टेंडर होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, उसमें गमरेश्वर तालाब के पास में जैसा कि विजय ने सब बता रहे थे कि हम उसका चौपाटी का विकास कर रहे हैं, तो उसमें वहाँ पर शेड लगाना, टीन शेड और उसके अलावा वहाँ पर लॉकिंग टाइल्स लगा करके उसका डेवलपमेंट करना, उस जो गार्डन जो बना हुआ है सुभाष पार्क बना हुआ है, सुभाष पार्क के चारों तरफ, उससे फायदा ये हो गया। वो पहले एक्चुअली क्या है कि जब उसको देखा था हमने तो विजिट करके देखा था तो सारे लोग जैसे कि वो चौपाटी वहाँ गमरेश्वर तालाब के किनारे लगा करके बैठे थे, उससे दो प्रकार की सब रिस्क रहती थी कि एक तो कभी भी क्योंकि वो मेन रोड हाईवे है हमारा, नेशनल हाईवे, या तो आने जाने वाले वाहनों की वजह से कभी भी किसी प्रकार के एक्सीडेंट की संभावना रहती थी। आपको ज्ञात भी होगा कि कुछ लास्ट लॉकडाउन के टाइम पे यहाँ पर एक ट्रक हमारी इस मोक्ष धाम के पास में ट्रक पलट गया था, तो ऐसी कोइंसिडेंटली उस टाइम पे लॉकडाउन था, इस वजह से जो लोग बाहर नहीं थे, तो इस प्रकार की दुर्घटना कभी भी हो सकती थी वहाँ पर। दूसरे नंबर पर वो एकदम से बिल्कुल गमरेश्वर तालाब के बाहर, चूँकि अब चौपाटी लगेगी तो ऑब्वियसली लोग आएंगे जाएंगे, उनके वाहनों की पार्किंग का इशू रहता है, खाना खाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे तो गंदगी होती है, तो सफाई का भी इशू रहता, तो इस वजह से उसको प्लान आउट करके और वहाँ पर बना रहे हैं इसको, और वहाँ पर प्रॉपर व्यवस्था और भी उसमें आइडियाज हैं जिसमें कि लोगों के लिए अंदर गार्डन के अंदर तक बैठ करके और उसको कर सकें, और वो गंदगी भी जो है वो एक जगह पे जो है वो सेंट्रलाइज होकर के उसकी सफाई हो जाए, वो हमारी आगे की प्लानिंग है। बट अभी जो वहाँ पर काम किया जाना है उसके बारे में मैं आपको बता रहा था, इसके अलावा जो ट्रेडिशनल आर्ट पेंटिंग का काम है उसमें से हमने कुछ काम तो कर दिया है, आगे अभी कुछ और जहाँ जहाँ पर भी हमको लगेगा उसमें हम वो पेंटिंग के काम करेंगे। जैसा कि ध्वज के बारे में बताया, वो ध्वज का कार्य भी उसका भी टेंडर हो चुका है और 30 मीटर हाई मास्ट लाइट लगाने का कार्य हम वहाँ पर करेंगे, तक लगभग 10 लाख का टेंडर उसका हम कर चुके हैं। इसके अलावा ये जो हमारी मेन रोड जो जा रही है नगरपालिका सागवाड़ा में, उस मेन रोड पे प्लांटेशन का कार्य उसका भी हम टेंडर कर चुके हैं और वर्क ऑर्डर भी हमने जारी कर दिया, तो यहाँ पर एक प्रॉपर इसका ब्यूटिफिकेशन अभी इस रोड का जो हाईवे हमारा उस पर जो हमारी रोड जा रही है उसका ब्यूटिफिकेशन का कार्य भी किया जाना है जिसमें कि हम प्लांटेशन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे शेल्टर बस शेल्टर जो हैं, बस शेल्टर कई जगह पर जो काफ़ी मतलब जीर्ण हो चुके हैं, तो उसमें अभी हम टीम तो आइडेंटिफाई कर रखे हैं, उसमें यदि आप लोगों का कोई सुझाव होगा तो उसको हम इनकॉर्पोरेट करेंगे। उसमें एक तो हमारे जो कॉलोनी के किनारे पे जो बना हुआ अभी उस शेल्टर को उसको हम ठीक करेंगे, एक मड़कोला बस स्टैंड के पास में जो बना हुआ है उसको ठीक करेंगे, और एक हमने उधर ले रखा है 132 केवी जो है हमारा जीएसएस जो लगा हुआ है एक वहाँ पर करेंगे। चौथा हमारे प्लान में इधर मसानिया की तरफ जो बना हुआ उसको भी करने का है, तो 4 बस शेल्टर भी बनाने की प्लानिंग है हमारी, तो उसमें हम उस कार्य को करेंगे। इसके अलावा एक जो बेहद सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसके विषय में आप लोगों के हमको आगे भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि हमारा जो घर घर कचरा संग्रहण का कार्य है, घर घर कचरा संग्रहण का कार्य का जो टेंडर जो है वो उस एजेंसी को मिला जो जिसका कि एक नवीन तरीके से कार्य करने का एक्सपीरियंस है, और उनके अनुभव के बारे में या उनके जो वर्किंग जो स्टाइल है या उन्होंने जो कार्य किया गया है उसको अच्छी तरीके से परखने के बाद में उसका टेंडर उस कंपनी को लिया हुआ है, जो कि वर्तमान डूंगरपुर में जिन्होंने विगत वर्षों में कार्य किया है, या उदयपुर में जो एजेंसीज कार्य कर रही हैं, प्रतापगढ़ में जो एजेंसी कार्य कर रही हैं, उनके कार्य इंदौर के अंदर भी वो संग्रहण का कार्य कर रहे हैं, तो उस एजेंसी के द्वारा कार्य किया जाना है जिसके कि टेंडर हो चुके हैं और उसका वर्क ऑर्डर भी हमने जारी कर दिया है, और वो मतलब इसी माह में हम घर घर कचरा संग्रहण का कार्य प्रारंभ करेंगे। वैसे घर घर कचरा संग्रहण का कार्य अभी भी जारी है, किया जा रहा है, लेकिन जो अब जो कार्य किया जाएगा उसमें उसको प्रॉपर मैनर में उस कार्य को करना है, जिसमें कि आईईसी एक्टिविटीज से लेकर के और गीले और सूखे कचरे का जो संग्रहण होगा वो सारा कार्य जो है वो एजेंसी के द्वारा स्वयं के द्वारा किया जाना। इसमें लोगों को प्रेरणा देने का कार्य जो रहेगा वो आईईसी एक्टिविटीज नो डाउट नगरपालिका के माध्यम से भी समय समय पर की जाएंगी, उस एजेंसी के द्वारा भी समय समय पर की जाएंगी, लेकिन इसमें आप लोगों के सहयोग के बिना ये आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंच सकती है कि व्यक्ति जो है वो अपने घर के अंदर गीले और सूखे कचरे का संग्रहण जब तक पृथक पृथक नहीं करेगा तब तक जो है वो हम इन चीज़ों को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी कचरा संग्रहण होगा उसका जो हमारा माणकपुरा है वहाँ पर हम उसके प्लांट लगा रहे हैं जिनमें कि उनकी प्रोसेसिंग होगी, उस प्रोसेसिंग के लिए वहाँ पर दोनों अलग अलग टाइप के वहाँ प्रोसेसिंग प्लांट लग रहे हैं हमारे, जिसमें कि गीले और सूखे कचरे का संग्रहण अलग अलग संग्रहण होकर के अलग अलग वहाँ पर जाएंगे,
इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है, गीले और सूखे कचरे के संग्रहण का अगर सेग्रीगेशन प्रॉपर होकर के नहीं आता है तो ये सेग्रीगेशन का काम भी इस एजेंसी के द्वारा ही स्वयं के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसको हम मतलब क्या है कि बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो बहुत बेसिक चीज है, अगर हम सारे बड़े बड़े कार्य कर भी ले रहे हैं और अगर हमारा इस बेसिक चीज पे अगर हमने कार्य नहीं किया तो सारी जो है वो हमारे ब्यूटिफिकेशन और ये सब अधूरे रह जाते हैं। तो इस कार्य को हम बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और इसमें हमारा सेल्फ मॉनिटरिंग सिस्टम भी हम इसको थोड़ा सा जो है वो एक्टिव बनाने की कोशिश करें, जो ज़्यादा हमारे जो कार्मिक है वो भी स्वयं सेंसिटाइज रहें, कचरे का प्रॉपर संग्रहण हो, लोग सीखें। तो आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूँ कि आम आदमी तक ये बात जरूर पहुँचे, जिसमें कि लोगों को जो है वो अब उनसे दो लोगों से दो अपेक्षाएं रहेंगी इसमें, कि एक तो उसके घर पे हर डोर तक जब गाड़ी जाती है तो व्यक्ति जो है वो अपने घर से निकल करके और उस गाड़ी के अंदर अपना कचरा डाले स्वयं, और दूसरे नंबर पे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग संग्रहित करें। तो इस महत्वपूर्ण कार्य का प्रभाव जो होगा आने वाले समय के अंदर हम सभी जो है वो देख पाएंगे शहर के अंदर। इसके अलावा जो हमारा महत्वपूर्ण कार्य है जल निकाय की सफाई का कार्य जो हमारा अभी चालू ही है, उसमें तो हमने काफी जो टेंडर करके कई जगह पे किया है और ये कार्य हम करेंगे। एक दांडी यात्रा का स्टेचू लगाने का जो कार्य 10 लाख का हमारा टेंडर हो चुका है और वो दांडी यात्रा का स्टेचू लगाने के लिए हमने प्लेस आइडेंटिफाई किया हुआ है, नेहरू मार्केट का जो है उसमें हमारा वो है। तो ये मोटे मोटे कार्य जो है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे काम है जिसमें कि हम प्लान कर रहे हैं और उनकी तरह मिशन नंबर इसके बाद में अलावा जो भी चेयरमैन साहब जैसे बता रहे कि माननीय शासन मंत्री महोदय के द्वारा जो 110 करोड़ रुपए की घोषणा की गई थी उसकी डीपीआर का कार्य था। तो अभी आप लोगों को शायद जानकारी होगी कि सीएलसी की बैठक श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में यहाँ पर हो चुकी है, जिसके अंदर की 110 करोड़ के जो कार्य किए जाने जिसमें की मूल रूप से जो कार्य किए जाएंगे वो उसमें वेस्ट वाटर वर्क करना है, जो सीवरेज हमारा निकलेगा इसमें, इसके लिए हमने शहर को 3 जोन में डिवाइड कर दिया है। एक जोन में उसका कार्य करेंगे जिसमें मूल रूप से जो हमारा ओल्ड सिटी है ओल्ड सिटी उसमें शामिल होगा, इसके अलावा वाटर सप्लाई और रोड वर्क है उसमें शामिल, जिसमें कि पेयजल का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे पॉन्ड्स जो है यानी जो हमारे तालाब हैं उन तालाबों का सौंदर्यीकरण उसमें शामिल है उस 110 करोड़ के अंदर, और इसके अलावा 2 कम्युनिटी सेंटर बना रहे हैं। 2 कम्युनिटी सेंटर में से हमने उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर ली है, कल भी हम इसका उल्लेख किया गया था दिनेश जी खोड़ेना ने भी अपने भाषण में। 2 कम्युनिटी सेंटर जो बनाने जा रहे हैं, वैसे कम्युनिटी सेंटर सामुदायिक भवन पहले भी बहुत सारे बनते रहे हैं और अभी भी शहर के अंदर बने हुए हैं, लेकिन अभी हम जिन सामुदायिक भवनों को देखते हैं तो उनमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोई मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन अभी जो सामुदायिक भवन का जो माइंडसेट है वो इस प्रकार का है, 2-2 करोड़ ले रखे हैं अभी सामुदायिक भवन के लिए। तो इसकी उपयोगिता एक उस एरिया के अंदर उस क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों के लिए किसी शादी पार्टी या इस प्रकार के भवन के रूप में उसका उपयोग कर सकें, ऐसी प्लान लेकर के जिसमें कि कुछ कमरे भी होंगे, हॉल होगा जिसके अंदर की लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी, तो और बाहर जो है वो ओपन गार्डन टाइप रहेगा। तो उसका कुछ मैप है अभी हमारे जैन साहब आपको ये पॉइंट्स के उनके मैप के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेलिंग बता देंगे। तो ये जो सामुदायिक भवन बनेंगे वो एक मैरिज गार्डन के रूप में उपयोग में ले जाने लायक होंगे, तो वो एक महत्वपूर्ण है। और एक हमारा जो इसमें काम ले रखा है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य है, जो जिसका कि मैं अभी उल्लेख कर रहा था, जिसमें कि हमारा जो मणपुरा के अंदर वो प्लांट लगाने, तो इन सारे कार्यों के लिए डीपीआर ऑलमोस्ट रेडी है चुकी है। उस दिन कुछ जो अधिकारी आए थे उनके कुछ ऑब्जर्वेशन आए थे तो उनको इनकॉर्पोरेट करके, और कलेक्टर साहब ने भी विजिट करके कुछ निर्देश दिए थे, उन सभी निर्देशों को इनकॉर्पोरेट करके मोस्ट प्रोबेबली इस माह के अंत तक हमारी डीपीआर चली जाएगी। ओके, तो ये जो हमारा सागवाड़ा के जो कार्य हैं जिनके बारे में जो अभी हम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा उल्लेख किया। नगरपालिका भवन के नवनिर्माण की बात है तो जो वर्तमान में जो भवन है वहाँ पर हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसके अंदर लगभग 300 दुकानें बनाई जाएंगी वहाँ पर,
और 300 दुकानें सागवाड़ा के उन बेरोजगारों के लिए होंगी। उसमें अलग अलग श्रेणी के हिसाब से हम दुकानें देंगे, जैसे किराएदार जो हैं उन किराएदारों को भी हम दुकानें देंगे। इसके अलावा हम ऐसी कैटेगरी के भी दुकानें उसके अंदर रखने जा रहे हैं कि जिनकी जो बेरोजगार युवक हैं वो उसके अंदर किराए से दुकानें ले करके और उसके अंदर अपना व्यवसाय कर सकेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि नगर के मध्य ये जो नगर पालिका भवन है वहाँ पर एक अच्छा सा बाजार बना करके और जो बेरोजगार युवक हैं उनके लिए एक बाजार को विकसित करने का हमारा है। और नगर पालिका भवन जहाँ हम दूसरी जगह बनाने जा रहे हैं वो एक मिनी सचिवालय के रूप में होगा। उस एक छत के नीचे जहाँ सभी विभाग की सुविधा होगी, जहाँ पालिका कार्यालय भी होगा, जहाँ पटवारी भवन भी होगा, जहाँ गिरदावन का भी दफ्तर होगा, बिजली विभाग और जलदाय विभाग से संबंधित भी एक काउंटर वहाँ पर लगाया जाएगा। और वहाँ पर जिन जिन के बिल भरने की समस्या है या जलदाय विभाग या बिजली विभाग की कोई कंप्लेन है तो उसके लिए भी वहाँ पर हम उसी छत के नीचे इस विभाग को वहाँ पर लगाने जा रहे हैं। और एक जनता क्लिनिक भी वहाँ पर लगाई जाएगी। तो एक ये राजस्थान के अंदर एक मॉडल के रूप में हम ये बनाना चाहते हैं कि ताकि सागवाड़े के अंदर जो नगर पालिका का भवन है वो एक मिनी सचिवालय के रूप में बनाया जाए ताकि वहाँ पर सभी छोटे छोटे दफ्तर एक छत के नीचे आ जाएं। ये हमारा नगर पालिका भवन का बनाने का विज़न दो तरह से है कि एक तो भवन जहाँ पर है वहाँ पर हम बाज़ार बनाना चाहते हैं ताकि बेरोजगार युवकों को हम रोज़गार दे सकें, और दूसरा भवन जहाँ बनाने जा रहे हैं नया भवन वहाँ पर उसको एक सचिवालय के रूप में विकसित करना चाहते हैं हम। मैं माननीय सभी पत्रकार बंधुओं से और भी कुछ डिटेल बताना चाहता हूँ कि हमने पहली बोर्ड में हमने ये निर्णय लिया था कि पार्षद निधि का हम गठन करेंगे, तो हमने सभी को 5-5 लाख की अनुशंसा के हिसाब से इस साल 3500 वार्डों में हमने 1,75,00,000 रुपये के टेंडर भी हमने जारी किए हैं। और पार्षदों की अनुशंसा पर हर वार्ड में 3500 वार्ड में बिना किसी भेदभाव के 3500 वार्ड में हम 5-5 लाख रुपए के कार्य पार्षदों की अनुशंसा के अनुसार हम करने जा रहे हैं। नगर के बस स्टैंड के इलाके में हमारे वागड़ के समस्त सभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे वो नाना भाई खाटू हों, चाहे कालीबाई हों, चाहे भोगेलाल जी पंड्या, गौरी शंकर जी उपाध्याय, चंदूलाल जी गुप्ता, छगन लाल जी कैप्टन, और भी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं तो सारी लिस्ट हम प्राप्त कर रहे हैं और उनकी प्रतिमाओं को हम एक शहीद स्मारक के रूप में यहाँ पर विकसित लगाने के लिए हमने एक योजना बनाई है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी गार्डन का तो जैसे आपको पहले बताई दिया है, नगर में कई चौराहे तिराहे हम सड़क किनारों के गार्डन के रूप में हम विकसित करने जा रहे हैं। जैसे कोई तिराया है, इसके बाद सड़क के किनारे कोई ऐसी जगह है, जैसे जेल के नीचे की पहाड़ी है, ये एक मोक्षधाम के बाहर का कुछ टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो एक अलग से थीम दे करके और उन गार्डनों को हम छोटे छोटे गार्डनों को विकसित करने जा रहे हैं। इसके बाद जहाँ पर भी डिवाइडर बने हुए हैं वहाँ पर भी पेड़ पौधे लगाने के लिए हमारे 5 लाख रुपए के टेंडर वो भी हो चुके हैं। इसके बाद नगर के अंदर हम 2000 पेड़ लगाने के लिए हमने टेंडर लगाए थे, एजेंसी मिल गई है, काम शायद चालू भी हो गया है और 2 दिन के बाद जो जहाँ जहाँ पेड़ लगाने हैं वहाँ पर उसके खड्डे किए जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 किलोमीटर की सड़कों के लिए अभी हमने इसमें 2020-21 के बजट में हमें 10 किलोमीटर की सड़कें PWD के माध्यम से हमें उसका बजट प्राप्त हुआ है। जो 4 करोड़ रुपए की सड़कें बनने जा रही हैं उसके लिए हमने तकनी में अभी PWD विभाग को दे दिया है कि कौन से हमारे जयंत साहब वगैरह सभी ने पूरे नगर के अंदर सर्वे करके कि किन किन वार्डों के अंदर 10 किलोमीटर की सड़कें जो 300 मीटर से लगा करके 1200 मीटर तक की होंगी वो सड़कें भी हम बनाने जा रहे हैं। नगर के गमलेश्वर के तालाब के पास स्थित ये जो चाट बाजार वाले जो खड़े रहते हैं वो एक समस्या है। जो पहले मेन हाईवे पे खड़े रहते थे तो हमने वहाँ पर जा करके हमने पहले जब स्टार्ट में मैंने जब 16 फरवरी को जब चार्ज लिया था उसके 5 दिन बाद मैंने माननीय SDM साहब ने, हमारे EO साहब ने, हमारे उपाध्यक्ष जी और तहसीलदार साहब, हमने साइकिल पे पूरे सागवाड़े के अंदर लगभग 10 से 12 दिन हर मोहल्ले में जा करके कि विकास कहाँ हो सकता है और विकास के लिए कौन सी भूमि हमें चिन्हित करनी चाहिए और कौन सी क्षेत्र चिन्हित करने चाहिए, तो हमने उसी आधार पे हमने साइकिल से दौरे करके और एक स्थान तय किया था। और उस हिसाब से
ये जो गमलेश्वर तालाब के पास जो खड़े रहते हैं पानीपुरी वाले, तो उनको एक एक गमलेश्वर तालाब के पास जो बोरावाड़ी की ओर जाने का रास्ता है वहाँ पर एक हम चाट बाजार विकसित करने जा रहे हैं, उसके भी टेंडर हो गए हैं और सड़कों के किनारे इंटरलॉक के कार्य के टेंडर भी कर दिए गए, सीसी सड़क भी उसमें शामिल होगी। नगर के मध्य नई वहाँ पर स्थित जो टाउन हॉल है उसका हम नवीनीकरण कर रहे हैं, जिससे लगभग 20 लाख रुपए का उसके अंदर हम खर्च करने जा रहे हैं। और ये भवन 3600 कौम के लिए होगा, जहाँ पर 3600 कौम के लोग आ करके अपने अपने हिसाब से वहाँ जैसे सामाजिक मीटिंग हैं, धार्मिक मीटिंग हैं, तो वहाँ कर सकेंगे, उनके लिए ये हॉल उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके नवीनीकरण का काम अभी चालू है और उसका फ्रंट एलिवेशन हम एक हेरिटेज के रूप में देने जा रहे हैं। शायद आज थोड़ा सा काम हो भी गया है, तो आप सभी पत्रकार बंधु उसका भी एक कवरेज ले हैं, तो थोड़ा लोगों में हमारा कार्य के दिखेगा और कार्य के प्रति एक संदेश जाएगा। उसी स्थल पर खाली पड़ी भूमि पर हम एक छोटी सब्जी मंडी बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। सब्जी मंडी भी बहुत जल्दी बन करके तैयार होने के बाद जितने भी सड़क किनारे जितने भी सब्जी में सब्जियां लेकर के बैठते हैं उन्हीं को हम एक अस्थाई जगह देने के लिए हमने ये पर नगर वहाँ पर नई बावड़ी के क्षेत्र में हमने इसको विकसित करने की बनाया है। और 3500 वार्ड में सफाई अभियान का तो जैसे हमारे एसडीओ साहब ने बता ही दिया है, और RUIDP के द्वारा दिए गए 110 करोड़ की योजनाओं के लिए हमारे सामने ये सभी अभी ये टेंडर होने वाले हैं। कचरा निस्तारण का आपको बता दिया है, कुछ वार्डों में पानी की जहाँ समस्या थी वहाँ पर हमने वार्ड नंबर 2 में और वार्ड नंबर 5 में तो बोर करवाए हैं, बाकी वार्डों में हमने हैंडपम्प के टेंडर भी दिए हैं, और अभी हैंडपम्प लगभग 5 जगह तो हैंडपम्प खुद गए हैं और 2 जगह बोर हो गए हैं। और नगर में ये बस शेल्टर भी लगा रहे हैं, 4 बस शेल्टर लगेंगे जो लगभग 28 लाख रुपए के होंगे, तो उसके लिए बस शेल्टर के लगाने के लिए भी हमने जगह को चिन्हित कर ली है और बहुत जल्दी उसका कार्य प्रारंभ होने वाला है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से ये जो RUIDP के माध्यम से हमारे चारों तालाबों की जो योजना है उसके ये कलर्ड आपके सामने पूरे मैप तैयार हैं, तो मैं सभी के सर सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।